Nice! What? मंकी बीच और मेरे को एक भी मंकी नहीं दिख रहा सिवाय लोगों पे, सिर्फ लोग दिख रहे हैं, नो मंकी। ओ हाँ एक्चुअली बंदर है, वो रे बंदर है। तो भाई अगर बंदर ऊपर आ जाता है तो हमें पता क्या करना है, हमें कूदना है। और ये बता रहे थे कि अभी वो जो आइलैंड है ना वो वाला देख रहे हो, वो फीफी डॉन है। तो जब 2004 में सुनामी आई थी ना, जब सुनामी आई थी ना, तो वो एक पर्पल होटल है वहाँ ऊपर, वही जिंदा रहा था और बाकी सारे ख़त्म। तो और बट एक साल में कह रहे हैं कि बन भी गया था। चलो अब देखें मंकी बीच में, देखो बंदर ही बंदर, सो मैनी मंकीज। मैं इंसानों को बंदर नहीं बोल रहा, मैं वेरी बता दूँ बंदर है एक्चुअली में, वो उधर छोटे छोटे बैठे हुए। चलो एनी वेज ये हो गया, अब हमारी बोट लग रही है, उसके बाद देखते हैं। इतना फैसिनेट भी हो रहा था बंदर देख के, आप फरीदाबाद में रहो और हर गली हर नुक्कड़ में आपको बंदर देखेंगे। अब यहाँ बीच में बंदर देखने थोड़ा ना उतरूंगा मैं तो, हम मंकी बीच में बैठ तो नहीं हो रहा, हम लोग हम तीनों में से एक्चुअली कोई नहीं उतरा। अब हम जा रहे फीफी, कौन सा फीफी डॉन जा रहे हैं, और यहाँ पे यहाँ लोगों को छोड़ेंगे और हम लोगों को स्नॉकलिंग करनी है, तो हम स्नॉकलिंग के लिए अंदर जाएंगे पानी में। और अभी नहीं, राउंड अबाउट 5-10 मिनट्स ऐसे। ये आ गया हमारे पीछे फीफी डॉन आइलैंड है, और अगर हमें टूर राइड से पहले तो उसको डाइविंग करनी होगी 15 तो बात है, और दैट मेक्स इट अराउंड आपके 3-3.5 हज़ार रुपये। और फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ फोटो ही खिंचवानी है तो फोटो के 700 बात है, और अगर वीडियो बनाना है तीन वीडियो मिलेगी 1500 बात। तो ये चाहते थे, ये काफ़ी बढ़िया कमाई का तरीका इन लोगों का, बट ठीक है चलता है। आप स्कूबा डाइविंग करोगे तो अपना फ़ोन तो लेके नहीं जाओगे, अब जितना नीचे भी दे जाओ कब तक इतना रह जाएगा। एनी वेज तो ये सब हो गया है, और यहाँ बर्गर किंग भी है, तो कि जैसे ये पूरा एक सिटी है वो एक बर्गर किंग दिख रहा है मुझे आउटर नोवर एक बर्गर किंग दिख रहा है, बट बर्गर किंग भी वेज नहीं है। और ये देखो पूरा स्नॉकलिंग के बाद हमारा वो भी है, हमें खाना वाना भी है, भूख लगी है यार, 1:30 बज गए, क्या मिलता खाने को वेजिटेरियन यार, नो मीट नो एग वाला खाना इनके पास ऑप्शन है, तो आप टेंशन भी खा सकते हो आराम से। हम रेडी हो गए स्नॉकलिंग के लिए, एंड अश्विन पहन के तो बता, पहन के तो बता क्या पहन के दिखाऊं, ये रुक जा दिखा पहन के, अबे टी शर्ट होता है, रुक जा चमन ब्रश लगेगा बिल्कुल। तो स्नॉकलिंग पे जा रहे हैं, पानी के अंदर घुसेंगे, एंड पीछे से उतरने को मना करा, आगे से उतरने को मना करा है, और पीछे से उतरने का, हाँ मैं पूछा था ये फ्रंट है बैक है, क्योंकि मेरे को भी कन्फ्यूजन हो रही थी एक्चुअली। चलो एनी वेज अब स्नॉकलिंग करने जाऊँ मैं, बाय। अब स्नॉकलिंग करने जा रहे हैं, और ये पता नहीं बड़ा फरीसा लग रहा है यार, बहुत फनी लग रहा है, तेरी बड़ी अच्छा है। चलो अब चलते हैं भाई, क्लियर क्रिस्टल क्लियर। मैं अभी ये बोल रहा था क्लियर नहीं है, हाँ मुझे मतलब समझ नहीं आता, सुना करो तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ना, अब समझ आ रहा है। खत्म हो गई, मैं तो आ गया बाहर, बट अंदर के नज़ारे इतने बढ़िया, इतने बढ़िया मैं आपको बता नहीं सकता। वो पत्थर वगैरह इतने प्यारे दिख रहे थे, अभी आई थिंक GoPro की फुटेज उन्होंने मेरी बनाई है, तो उसमें डाल दूंगा मैं और आपको उस पर दिखा दूंगा। मैं आ गया हूँ बाहर, मेरे से सांस ही ले जा रही थी क्योंकि बहुत सॉल्टी वाटर था, बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर था, तो मेरी हालत ख़राब हो गई। बट ये दोनों मज़े से, अश्विन उदाब ये देखो मजे से दोनों, ये अलग ही लेवल है। ओए अरे अब गाइड इनकी फोटो वीडियो ले रहा है, तो दैट्स इट, एंड आई थिंक इन दोनों को मारनी है, और मेरा तो हो गया, मेरा हो गया आज का, दैट्स इट, आई एम डन, सी यू गाइस।
सो दिस वॉज द स्नॉकलिंग टूर एंड अब लंच का टाइम है तो लंच दिखा दूंगा क्या है और वेजिटेरियन ऑप्शन भी बता दूंगा आपको क्या मिल रहे हैं एंड सेकेंडली उसके बाद आई थिंक हम लोगों का वापसी है तो दैट्स इट भाई बाय हम उतरे लंच के कोई एवरीडार रेस्टोरेंट था एवरीडार रेस्टोरेंट तो वहाँ पे जाके हम खा रहे हैं पता नहीं क्या है और ये हम है किसी बीच पे पीपियोंग बीच है और यहाँ सब लोग सनबेथिंग कर रहे हैं हम लोग आगे स्नॉकलिंग करके स्नॉकलिंग सकते था वो मुझे बताएगा कि कितने की आई थिंक वो मुझसे 1500 बात तो लेके जाएगा तो मेरा चूना लगने वाला है 1500 बात का बट ठीक है मैंने शौक शौक में बनवा रही वीडियो और अच्छी बनी थी उसमें बहुत बढ़िया बनाई तुमने बनाई थी वीडियो यस 1500 बात देखने वाले हैं हमें हमें पता है ना तुम लोगों को 1500 बात लगने वाले हमारे गाइस सो एक्चुअली दे डोंट रियलाइज द फैक्ट कि उनके 1500 बात लगने वाले बट एनीवेज वी आर हेडिंग फॉर द फूड और वेजिटेरियन फूड है तो खाने वाला हूँ और यार मेरे को ना ये कंसेप्ट नहीं समझ रेंट क्यों लगते हैं भाई बैठ रहता है आई मीन 218 रुपये में बैठने के क्या क्या है ये आई मीन गोवा होना चाहिए शायद से ऑर्डर करो खाना और पियो और प्रीमियम बैठो व्हाट इज यू नीड एनीवेज चलो अब हम चले जरा कोई आवरा का डावरा रेस्टोरेंट है तो वही जा रहे हैं अब ऐसा खाना मिल ही नहीं सकता अब माना लाइक ऑब्वियसली बात है बाहर आओगे तो खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बट इतना भी क्या कि भैया कोई टेस्ट ही ना हो सिर्फ एक स्पेगेटी छोड़ के और कुछ नहीं अच्छा और मेरे को इतनी भूख लगी हुई है और ज़बरदस्ती फील कर रहा हूँ अपने आप को तो मुझे कुछ खाया ही नहीं है तो मैं भी ब्रेड रखे हुए थे ब्रेड के 3 पीस खाए थे अब ये क्या ही करें यार चलो अब इसके बाद एक आइलैंड का टूर और है मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ और उसके बाद है हमारा घर जाने वाला टाइम घर तो नहीं होटल जाने वाला टाइम तो यार चलो खाते हैं और फिर बाय तो हम बैठे हैं फीफी डॉन के बीच पे क्योंकि यहाँ पे बैठने के भी 100 बार लगते हैं तो हमने डिसाइड करा कि भैया सॉरी रेत पे बैठ जाते हैं हम तीनों बैठे हुए मस्त यो हनी सिंह और हम एक्चुअली काफ़ी थक चुके हैं अब हमारी फेरी जाएगी राउंड अबाउट 3:30 बजे और अभी बज रहे हैं गाड़ी तो पहनी नहीं है 2:45 या 2:50 से जब लास्ट देखा था मेरे बालों की खिचड़ी बन चुकी है टैनिंग फुल ऑन हो चुकी है मैं सनस्क्रीन लाना भूल गया था और मैं काला हो चुका पूरा काला हो गया हूँ यार नहीं यार मतलब इतना सनबर्न हो गया गंदा भाई अब अंदर ही बैठ रहे हैं बोट के सनबर्न कुछ ज़्यादा ही हो गया यार खाना बहुत बेकार था मतलब सॉरी आई डोंट वांट टू से इनको दाल मखनी रोटी रखनी चाहिए थी डिसाइड ऑफ इनको पता है हम बहुत सारे वेजिटेरियन हैं इंडिया अंदर अब भी नहीं करा नो नॉट गुड नॉट हैप्पी सिर्फ एक आलू की सब्ज़ी थी तो अच्छी थी बाकी कुछ भी नहीं तो आज रात को फिर से हम जाएंगे वही वाले रेस्टोरेंट में खाने अमृतसरी खाना अमृतसरी खुल जाएगी भूख लग गई है तुम्हारा मैं तो वेट कर रहा हूँ कब जाएंगे भाई यहाँ से अभी अभी एक और आइलैंड जाना ना भाई 3 आइलैंड और है अबे यार 3 आइलैंड और है थक गया हूँ मैं आइलैंड देख देख के सारे आइलैंड ही है ये बस आइलैंड है हरियाली हरियाली हर जगह बंदर वाले आइलैंड पे जाके पता नहीं क्या खुशी हुई थी लोगों को मेरे को तो समझ नहीं आ रहा अभी तक और ठीक है यहाँ पे सारे लोग चिल कर रहे हैं रिलैक्स कर रहे हैं एंड बैठे हुए हैं ये लोग संतो है।